दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस की जो SI की वैकेंसी निकली है दोस्तों उसके कट ऑफ के बारे में इसमें विश्लेषण करूंगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वैकेंसी 2019 में आई थी, उसका आपके क्या कहते हैं प्री एग्जाम तो होगा लेकिन मेन्स एग्जाम नहीं हो पा रहा है, कोरोना के चक्कर में उसकी डेट लगातार डिले हो रही है, ठीक है। 2019 के पहले ये आपकी वैकेंसी आती है दोस्तों आपकी 2017 में लगभग आपके 1717 पद निकलते हैं, यानी 1717 पद, ठीक है। और इस पर जो फॉर्म अप्लाई होते हैं दोस्तों आपके लगभग 4 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई होते हैं, ठीक है। और जो पेपर इसमें देते हैं लगभग 3 लाख के आसपास बच्चे हैं जो पेपर देते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें पास जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको चौंकाने वाला है, वो लगभग 50% ही हैं जो पास होते हैं इसमें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 2017 की आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या है, ये ऑफिशियल साइट्स मैंने इसे देखा है। ये देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कट ऑफ मार्क्स दोस्तों 2017 का प्री का एग्ज़ाम का और साथ ही आपके मेंस का एग्ज़ाम का, तो उसके आपको महत्वपूर्ण बिंदु आपको इसमें मिल जाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको पता होगा, देखिए प्री में एक आपका पेपर होता है, ठीक है, मेंस का एक एग्ज़ाम होता है, इसके बाद आपका फिजिकल होता है, ठीक है। 3 स्टेप के बाद आपका यहाँ पर जॉब आपको मिलती है आपकी बिहार दरोगा की, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे बिहार SI की जो देखिए 2017 की प्री का एग्ज़ाम होता है इसमें देख सकते हैं आप जनरल की जो कट ऑफ है मेल की 1 सुनाओ जाती है, फीमेल 63.6 मात्र, ठीक। इसी तरह आप बैकवर्ड क्लास की देखेंगे 103 मेल की और फीमेल की मात्र 60 गई है। EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, इसकी 97.6 मेल की जाती है और फीमेल की 60 जाती है मात्र। इस तरह SC की देखिए आप मेल की 88, फीमेल की 60 और ST की 101 मेल और फीमेल की 60, ठीक है। और इसमें आपके मन में सवाल होगा कि आखिर कितने क्वेश्चन सही करने पड़े, तो आप यहाँ पर सीधा अंदाज़ा लगा लीजिए 109 में आप 2 का भाग दे देंगे, लगभग 55 × 110 होता है, यानी 55 क्वेश्चन सही करने पर। और यदि बात करते हैं निगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे 1/10 के, यानी 10 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपको कटेगा, ठीक है, जो कि बहुत कम है। आप आराम से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करिए ताकि नंबर अच्छे हैं, ठीक है। इससे आपको एक अंदाज़ा हो गया दोस्तों कि प्री में देखिए बहुत ही कॉमन, बहुत ही नॉमिनल है जो रिजल्ट है, ठीक है, यानी जो आपकी जो मेरिट जाती है वो बहुत ही नॉर्मल है प्री एग्ज़ाम की। लेकिन मेंस में आप देखें दोस्तों यही मेरिट आपकी जनरल की आप देख सकते हैं 137.2 जाती है, फीमेल की 108.2 जाती है, बैकवर्ड क्लास की 133.4 और फीमेल की 98.4 और EBC की आप देखेंगे 129 और फीमेल की ही 75.6 हो जाती है, SC की 119.4 जाती है और फीमेल की 60 जाती है। इस तरह ST में देखेंगे 128.6 और फीमेल की आप दोस्तों यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा गई है 93.6, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वुमन ऑफ बैकवर्ड क्लास आपके 3% का रिजर्वेशन हो तो उनकी 90.8 जाती है। और इस तरह फ्रीडम फाइटर्स के लिए देखिए आप यहाँ प्री में 60 गई थी और मेंस में 76.2 गई थी, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन में आप देखेंगे 136.2 गई थी, 122, इस तरह आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें बात आती है, सीधी सी बात है, देखिए प्री में तो आप आराम से आप बेसिक तैयारी करके, नॉर्मल तैयारी करके भी पास हो सकते हैं, लेकिन आपको मेंस के लिए काफ़ी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि लगभग आप देख सकते हैं जनरल के लिए आप 138 क्वेश्चन आपको लगभग करेक्ट करने होंगे, ठीक है, 69 × 138 और इसमें आप देख रहे हैं आप 55, ठीक। आपको सीधा दोस्तों 14 क्वेश्चन जो है ज़्यादा अटेम्प्ट करने होंगे, ज़्यादा अच्छी मेहनत करनी होगी, समझ रहे हैं दोस्तों आप यहाँ पर इसलिए आपको अच्छी मेहनत करनी होगी। और इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करते हैं 2019 की, आपने देखा कि उसकी कहते हैं प्री एग्ज़ाम तो हो गया, तो उसकी मैं आपको कट ऑफ बता दे रहा हूँ आखिर कितनी गई थी। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ये 2019 की जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल की जो कट ऑफ गई, देखिए जनरल की आपकी गई है 132.2 गई है, समझ रहे हैं कितनी ज़्यादा मेन दोस्तों ये प्री की है, क्योंकि इस बार लगभग दोस्तों 7 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए थे। और ये मान के चलिए दोस्तों आपका इस बार का जो वैकेंसी है उसमें इससे भी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, तभी आपकी यहाँ पर जॉब आपका प्री कहते हैं निकल पाएगा, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं EWS की आपकी, क्योंकि EWS कैटेगरी आ जाती है 2019 के एग्ज़ाम के समय आपकी EWS कैटेगरी आ जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 117 गई है, ठीक है, और बैकवर्ड क्लास की 125 गई है, EBC की 118 गई है, SC की आपकी 103 गई है, ST की 116 गई है, और आपके बैकवर्ड वुमेन जो है उसके आप यहाँ पर फीमेल में देख सकते हैं जो 64.2 गई है, ठीक है।
और फ्रीडम फाइटर्स की आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, मेल में 60 गई है, फीमेल में 60 गई है, ठीक। आप यहाँ पे देखिए फीमेल के देखेंगे, जनरल की देखिए 88 गई है, AWS की 60 गई है, वहाँ देखिए कहाँ 60 नंबर में सिलेक्शन होता है, यहाँ 80 नंबर सीधा आप देख सकते हैं, 20 80 88 28 नंबर का गैप है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गैप है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से लड़कियों को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी इस बार। आप यहाँ पर देख सकते हैं AWS की 60 है, BC की आपकी 72.6 है, EBC की आपकी 60 है, ठीक है, SC की आपकी 60 है, ST की 67 है, BC वुमेन की 64.2 है और फ्रीडम फाइटर्स की 60 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5072 की सूची है ये, ठीक है, 5072 को 50072 इकाई दहाई सैकड़ हज़ार लगभग, ठीक है, 50072 लड़कों को लिया गया था इसमें, ठीक है। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी थी आपको, ठीक है। यदि आपको कोई भी आपको इसमें कन्फ्यूजन है किसी चीज़ के बारे में पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको उसका उत्तर ज़रूर मिल जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली अपडेट्स इसी तरह मिलती रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।